कि मैं आपके लिए खून बहा भी सकती हूँ और सामने वाले की गर्दन काट भी सकती हूँ। मेरे माँ बाप ने अगर मुझे कुछ किया है तो शिक्षा। चुनावी सभा के दौरान सभा प्रत्याशी डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि अपना खून बहा सकती हूं और सामने वाले की गर्दन भी काट सकती हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिरातू विधानसभा से अपना दल कमेरावादी पार्टी समाजवादी पार्टी गठबंधन ने डॉक्टर पल्लवी पटेल को सिरातू विधानसभा से गठबंधन प्रत्याशी घोषित किया है। चुनाव प्रचार के दौरान पल्लवी पटेल के जोशीले भाषण से आम जनता के बीच चर्चा होना स्वाभाविक हो गई है। सिरातू विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित भीड़ के बीच समाजवादी अपना दल गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर पल्लवी पटेल ने खुलेआम मन से कहा कि मेरे अंदर वह जज्बा है कि मैं आपके लिए खून बहा भी सकती हूँ और सामने वाले की गर्दन भी काट सकती हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह से गर्दन काट देने के बाद समाजवादी पार्टी की सिरातू विधानसभा से प्रत्याशी डॉक्टर पल्लवी पटेल कर जनता को अपने और दिखाना चाहती हैं, लेकिन उनके इस तरह आपराधिक सोच के चलते समाजवादी पार्टी का दिनों दिन जनाधार घटता जा रहा है। वहीं एक तरफ डॉक्टर पल्लवी पटेल अपने को कौशाम्बी की बहू कहकर जनता को संबोधित करती हैं तो दूसरी तरफ कौशाम्बी वासियों की गर्दन काट देने की बात करती हैं। यह कौशाम्बी की कैसी बहू हैं जो अपने ससुराल के लोगों की गर्दन काट देने की बात खुलेआम मन से कर रही हैं। इस बात पर आम जनता ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। उनकी प्यासी डॉक्टर पल्लवी पटेल के भाषणबाजी पर पूरे सिरातू विधानसभा क्षेत्र पर जमकर उनकी थूथू हो रही है। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट।